तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसके व्लॉग्स। और आज इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोर्ड की फ्री स्टाइल, जिसका आज हम कंप्लीट ओवरव्यू देंगे। बट ये है BS4 मॉडल एंड अब आ चुका है BS6। तो मोस्टली सारे फीचर्स सेम है, मोस्टली मतलब एक आधा फीचर का फ़र्क होगा, सिर्फ BS6 इंजन आ गया BS4 की जगह। तो ये BS4 गाड़ी है पर फीचर्स वगैरह ओवरव्यू सब डिटो सेम है। तो हम कंप्लीट वॉक अराउंड एंड फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये है टाइटेनियम मॉडल, पेट्रोल गाड़ी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इसके एक्सटीरियर लुक में, तो यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है फ्रंट ग्रिल, एंड यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो है, एंड यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं। यहाँ पे आपको LED बल्ब प्रोवाइड नहीं किए, इंडिकेटर, एंड ये है आपके हाई बीम एंड लो बीम का। फॉग लैंप आपको मिलते हैं टाइटेनियम मॉडल के अंदर, एंड दिस इज हेलोजन बल्ब, इंडिकेटर अगेन सेम। एंड एक बार आप पीछे से पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देखो। सो ये साइड मिरर्स है, साइड मिरर्स पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अगर टायर्स की बात करें, यहाँ पे आपको टायर्स मिलते हैं मेरे ख्याल से गुडियर के टायर्स मिलते हैं आपको, एंड जो साइज़ है वो है 15 इंचज़ के टायर मिलेंगे आपको। एंड ये बोनट का लुक है पूरा, आप देख सकते हो टॉप व्यू, एंड ऐसे कुछ गाड़ी लगती है। एंड अब चलते हैं साइड में। सो ये है इसके डोर लुक्स, अगर आप देखना चाहो। यहाँ पे आपको नीचे डोर ग्लाइडिंग मिलती है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे पूरा ब्लैक आपको बहुत अच्छे है। देखो यहाँ पे जो आपको ये पूरी नीचे वो मिलते हैं बहुत अच्छे हैं। एंड बैक में अगर लाइट की बात करें हम, सो ये है इंडिकेटर, ये है ब्रेक लाइट, एंड ये है नॉर्मल लाइट। यहाँ पे आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1, 2, 3 and 4। एंड ये है बैक वाइपर, एंड ये डिफॉगर भी मिलेगा आपको। एंड यहाँ से मेरे ख्याल आप ऑन नहीं कर सकते, ये की से होगा या फिर रिमोट से होगा। तो चाबी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसकी चाबी कैसी है। ये इसकी चाबी, मैं एक सेकेंड फोकस में ले आता हूँ। सो यहाँ पे है एक अनलॉक का बटन, लॉक का बटन, एंड अगर हम मैं इसको ट्वाइस दबाऊँगा नीचे ये एक और बटन है जिससे बूट खुल जाएगा। अगर मैं इसको 2 times दबाता हूँ तो बूट खुल गया है। एंड अगर बूट स्पेस आपको मैं दिखाऊँ, सो देखो एक हैचबैक के हिसाब से वैसे इसको अलग ही कैटेगरी में दिया जाता है, विच इज़ यहाँ पे नीचे लिखे आ गया। मैं एकदम दिमाग से स्लिप कर गया कौन सी कैटेगरी थी, तो वो नीचे यहाँ पे लिखे आ गया, आप पढ़ सकते हो। एंड बूट स्पेस का जो साइज़ है वो भी नीचे लिखा आ रहा, वैसे प्रैक्टिकली इट इज़ गुड इनफ। तो चलो अब चलते हैं हम इंटीरियर के अंदर। हम आ चुके हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के इंटीरियर के अंदर, एंड सबसे पहले साइड से शुरू करते हैं। तो हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, हमने इग्निशन ऑन कर ली, एंड ये है विंडो लॉक, ऑल पावर विंडोज यहाँ से होती है एक्सेस, एंड दिस इज़ द साइड मिरर को कंट्रोल करने के लिए। एंड जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इसको खोलने के लिए हम ओके, इसको जैसे ही नीचे करेंगे हम, तो ये दोनों साइड मिरर्स खुल गए। एंड अगर हम ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल की बात करें, तो हमारा सारा यहाँ पे डिजिटल आपको कोई भी नहीं है, सब कुछ एनालॉग में है। पर नीचे छोटी सी डिजिटल स्क्रीन गिवन है जिसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं मैं एक सेकेंड देखता हूँ एंड आप लोगों को बताता हूँ। इसको कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं, ये देखो। तो अब आ गया है हमारे पास में, ये कितने किलोमीटर चली हुई है, 1142, 25 डिग्रीज इस टाइम है, एंड गाड़ी हॉट है या कोल्ड है, दिस इज़ द एवरेज कितनी चल जाएगी अभी फ्यूल के हिसाब से। एंड एवरेज दे रही है ये हमको 18 किलोमीटर्स की, एंड ओ सॉरी 7.6 किलोमीटर पर लीटर दे रही है एवरेज, एंड 12 किलोमीटर पर आर की हमारी एवरेज स्पीड है। सो ये आपको बता दिए इसके अंदर। एंड अब चलते हैं हम थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ऑडियो के लिए कंट्रोल्स, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइटनिंग कम होती जा रही है, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी आपको। सो दिस इज़ टू कंट्रोल द ऑडियो, इससे आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, इससे कॉल काट सकते हैं, इससे ट्रैक चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ से मूड चेंज कर सकते हैं, ये देखो।
एंड अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक हैंड ब्रेक जो कि अच्छे है, एंड यहाँ पे TCS ऑफ ऑन है, दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ये। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक, ये देखो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, एंड इसको अब हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं। जिसमें आपको मिलता है सारे मोड्स चेंज करने के लिए, ऑटो मोड, मैक्स AC, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने AC की पावर, ब्लोइंग पावर, एंड यहाँ पे कार की की रखी हुई है, यहाँ पे आप अपना कोई फ़ोन भी रख सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन रख के दिखाता हूँ कि कैसी ग्रिप आती है। तो ये देखो मेरा फ़ोन पूरा एग्जैक्ट फिट आ गया है फ़ोन पर। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट USB से कोई नहीं मिलता, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। दिस इज़ द USB फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड दिस इज़ द ऑक्स फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको 5 गियर्स मिलती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस इज़ द रिवर्स। एंड यहाँ पे है हैंड ब्रेक, यहाँ पे तीन बॉटल होल्डर जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के हैं, देखो ट्रैक्शन ऑफ ऑन, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, आपको देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है आपको। एंड अगर सीट की बात करें तो सीट में आपको हाइट एडजस्टेड भी है सीट में, आपको एक बार बाहर आके सीट्स की कंट्रोल सिखाता हूँ। में अगर आप कोई भी डोर खोलते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि आपका डोर खुला है। एंड चलो अब बाहर जाके आपको सीट के कंट्रोल सिखा देता हूँ मैं। सो ये है सीट के कंट्रोल, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ द हाइट एडजस्टर, ये हाइट नीचे होती जा रही है। एंड अगर आप ये पोर्शन करना चाहो, आगे पीछे करना चाहो, तो दिस वन इज़ अ कंट्रोल फॉर दैट। तो चलो वापस इंटीरियर में चलते हैं। यहाँ पे आपको सारे मिलते हैं आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स, के अंदर एक्स्ट्रा एम्बिएंट लाइटिंग भी लगी हुई है, तो इसको आप अगर चेंज करना है तो आप ऐप से कर सकते हैं, एक ऐप आती है वो भी डाउनलोडेड नहीं है मेरे पास। एंड अब चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर, तो हम चलते हैं सीधा होम पेज पे। सो होम पेज पे आपको म्यूट कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। अगर आपको इसका, मैं आपको एक साउंड का भी वो दूंगा कि कैसी आती है साउंड, मैं आपको एक NCS का गाना चलाऊंगा क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री है। एंड यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलते हैं, होम बटन, ट्रैक चेंज, म्यूट एंड नेविगेशन का, एंड ये डिस्प्ले ऑफ करने के लिए, ये कॉल करने के लिए, ये स्कैन करने के लिए, ये रेडियो के लिए, एंड ये म्यूज़िक के लिए, एंड दिस इज़ टू ट्यून, दिस इज़ टू कंट्रोल द वॉल्यूम, एंड AC ब्लोअर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से आप टच से भी नेविगेशन जा सकते हैं। एंड आपको अगर मैं कंट्रोल सिखाऊं तो ये देखो ये नेविगेशन है, मैं इस पर फोकस आउट नहीं कर रहा, नहीं तो आपको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो नेविगेशन को हम कर देते हैं बंद। एंड ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, देखो उसकी भी बैटरी बता रहा है लेवल कितना है। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे चलते हैं एंड देखते हैं साउंड की क्या सेटिंग्स है। तो यहाँ से आप कनेक्ट करके यहाँ से EQ लेवल देखते हैं। सो ये देखो ये जैज पे कर सकते हो आप, रॉक पे कर सकते हो, पॉपुलर पे कर सकते हो। एंड ये देखो अब चलते हैं पीछे वापस बैक, एंड अब मैं आपको एक गाना चला के दिखाता हूँ। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सो गाइस जो इसकी बास है वो बहुत अच्छी फील होती है, एंड बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड अभी ये जो है बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो फिटेड आती है, मतलब कोई भी सेटिंग्स को ऊपर नीचे मैंने नहीं किया, जो भी बास होगी वो वैसी है। मतलब इसके अंदर बास कैसे कंट्रोल करनी है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है वाले के बारे में। तो चलो बैक चलते हैं, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडलाइट्स ऑन वगैरह होके कैसी लगती है। कैसी लगती है इसकी फ्रंट की लाइट्स, एंड अगर बैक पे चले तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक की कैसी लगती है। तो ये बैक से लगती है, ब्रेक जब जब होगी तो ब्रेक लाइट ऊपर ऐसे थोड़ी, इसको हाई बीम में लॉन्च होगी ऊपर करेंगे
ये सीट पूरी पीछे हुई हुई है, एंड अगर ये वाली सीट देखें तो इसमें बहुत अच्छी, अब ये सीट पूरी पीछे है तब भी देखो मैं 5'4" हूँ, एंड मेरे को देखो कितनी अच्छी वो मिली हुई है लेग स्पेस, एंड ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये पूरे पीछे हुई हुई है। सो अगर कोई 5'9", 10" का होगा तो कम्फर्टेबली बैठ सकता है। तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको इसका ओवरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू SK Vlogs। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।